अमृतसर विच तेरा प्रेम दी सोनी एंड लॉर्ड दी सवेर से पंजाब दी धरती दे आउन वाले सब तो खूबसूरत दिन दी से जब सारा पंजाब विसाखी बैग पड़ा हुआ पता नहीं किन्ने श्रद्धालु हरिमंदर साहब के दर्शन कर ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਲਗਾਂ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 3 ਲੱਖ ਨਸਤਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਲਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਤ ਪੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ। ਆਪ ਚਲੋ ਹਮ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਆਏ ਬਸ। ਅਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਭਈ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਪਤਾ ਚਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? खबर नहीं सी जनरल डायर ने अमृतसर मार्शल लॉ लगा दिता है पर बात रैलियां कटन जलसे करन ते रोक लगा दिती है क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब सुना है कोई सभा होने वाली है? किधर? साहब बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4:30 के करीब। ये जुर्रत टेक दाओ सभा को। जनरल डायर ये भी नाजी जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सब तो काला अध्याय भरन वाला सी। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसान के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की थी सी। फिर चाहे वो आवाज गर्ज विचों उठी हो गई या खामोशी विचों सरकार 1970 में सन्यासियों के फकीर ने संघर्ष किया ते सन 1857 में पूरे देश ने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ पहली स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार पर इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिता पर हुंकार जो तक जिंदा है वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रहती है। कदे क्रांतिकारी ने आजादी का पीड़ा चुकिया अते कदे कांग्रेस दे गर्म दल ने एक पासे गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिता सी ते दूजे पासे पंजाब विच भी ओ देश दी आजादी लई तैयार सन।
1915 में रास बिहारी बोस ने पंजाब आके लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब अते तरन तारन विच अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना विच भर्ती भारतीय सैनिकों नाल शस्त्र समेत क्रांति लिए संपर्क किया सी। पर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई अते कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कराए गए। 16 नवंबर 1915 वाले दिन 19 साल बालक करतार सिंह सिवाबाद अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे से लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गवर्नर पार्टी के मैंबरों के मुकदमे चला के उन्होंने सजा दी गई। पहले विश्व युद्ध का समय से अंग्रेजों ने अपने हित के इस युद्ध में भारत को भी चूक दिता से। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति, युद्ध सामग्री और सैनिकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बदले में भारत को की मिला? एक काला कानून, रॉयल एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अबील के नाम नाल जाना जाता है। इस एक्ट के पास होने पर पुलिस चाहे जिस भी तलाशी ले सकती थी, बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल करके भारतीय अखबारों की कलम टूट सकती थी। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिता सत्याग्रह के नाल। देश भर में इसके विरोध में सभावां ते अंदोलन होण लगे। फिर 3 मार्च 1919 वाले दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों ने सरकारी गोलियों नाल गोली दिता गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किशन इसे कानून के विरोध की प्रधानगी कर रहे थे। उदों अंग्रेजों ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्होंने रिहाई लिए कई अर्जियां दी। पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर से इसका कोई असर ना होया। उसके इरादे तो कुछ होर ही सन। 9 अप्रैल 1919 रामनौमी वाले त्यौहार से अमृतसर में शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के उठे आने से रोक लगा दी। उन्होंने पलवल के लिए गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में पंजाब में कई थावां ते सभावां हुई। पर लोगों को यह पता नहीं सी कि उन्होंने इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज इन्ने जुल्म सितम नाल देंगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सैनिक दी टुकड़िया समेत जलंधर को बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट है इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। यस सर, आई एम कमिंग। जब जलियांवाला बाग अंदर विसाखी मनाने आए, हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज में सो रहे सन। एक हवाई जहाज उन्होंने उत्तों भी गुजरे। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज नहीं बाग का मुआयना कर रहे सन। ये देख के उत्थे के लोगों में बेचैनी बढ़ गई। पर उन्होंने नेता ने उन्होंने हौसला दिता। इन्नी देर वो दूर गली में कुछ आवाजा होना शुरू हो गई। कुछ बखलन बंद गड्डिया गली के पार आके रुकिया। जनरल डायर अपने 90 सैनिक समेत बाग में आ चुके।
लोका में कुछ हलचल जही हुई और हंसराज ने उन्होंने फिर हौसला देता। करने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति राज गल करते वो कलू किस ओर खतरा हो सकता सी। लोकी कुछ सोचते उस तो पहला जनरल दायर ने अपने सिपाहियों में पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोका विच खौफ वाता जा रहा सी और का अपने बच्चियों को देख के दहशत नाल कांप रही सी। आदमी अपने परिवारों को अपने बाबा विच समेटे चीखा दे समुद्र विच कूदते जा रहे सी। अपने बच्चे बच्चियों को तब पता भी नहीं सी कि उन्हें दे मासूम खेले चेहरे कुछ देर बाद में एक गहरी अपने पूरी खामोशी विच अपना जवाब सी। ना कोई चेतावनी, ना बाघ खाली करने का ऐलान, ना सभा बंद करने का हुक्म, सिद्धे इको हुक्म जारी हो रहा। गोलियां बंदूकों की लड़ियां जो फाड़ देती हैं, लोकी बेतहाशा अपनी जाना बचाने इधर उधर फाड़ देते हैं। पर ना अंग्रेज हुकूमत दिया बंदूकों रुकियां अरे ना ही टायर दिया खबिश कोई इंसानियत जाती है। जो गोलियां ना बेगुना हमें जिसमें चीर दिया दीवारों में घूम गए ऐसा वो आज भी दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रही अंग्रेजों दिया गोलियां दो जाने बचाने पर उन्हें लोगों ने उस दिन बाग विच मौजूद खूह लोग बचने बचाते उस विच छाने मारते गए। हौली हौली वो खूह सिंधा के मुर्दियों नाल भरता चला गया। इंसान की प्यास बुझाता है पर उस दिन उस खूह ने शैतान की प्यास बुझाई से एक खूह इस ऐतिहासिक मैदान में गूंजता हुआ एक काला स्थान है जिस विच अज भी उन्हां बेगुनाहां दियां चीखां गूंज रहियां हैं। उस दिन जलियांवाला बाग विच खूनी जनरल डायर दियां प्यासियां बंदूकां गोलियां खत्म होण तक चलदियां रहियां अते हिंदुस्तानी शहीद हुंदे रहे। उस नूं तां इह अफसोस हो रिहा सी कि गली भीड़ी होण कारण उह अपनी मशीन गन उत्ते तक नहीं लिजा सकिया सी। जलियांवाला बाग दे इस कतलेआम विच उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकां नाल 10 मिंट विच 1650 गोलियां दागियां जिस नाल 1000 तो ज्यादा भारती शहीद हुए अते 1500 तो ज्यादा जख्मी। उन्हां दरिंदियां ने तां बच्चिआं नूं वी नहीं छड्डिआ। उस दिन 15 बच्चिआं नूं गोलियां मारियां गईआं। एक बच्चा ऐसा भी सी जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोदी विच एक लाश होर भी सी एक 3 साल के बच्चे की लाश। बाग विच मौजूद एक लाश के कोल एक औरत बैठी सी। उस औरत का नाम सी रतन देवी जो अपने पति की लाश से विलाप कर रही सी। इसी तरह पता नहीं किन्ने जख्मी लोग
अपने दिया लाशा को बैठे हुए सन। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली, वहां दर्द में छटपटाते तीन और लोगों को भी देखा, साथ ही करीब 22 साल के एक बच्चे को देखा जिसने डराते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ ओढ़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे, उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। मौजूद मुर्दियां थे, अति उन्हें देखकर लाभ कर रहे उन्होंने कार्तिया की खबर लेने वाला कोई नहीं सी। जख्मियों का इलाज करने वाला कोई नहीं सी। उन्होंने पानी तक पीने वाला कोई नहीं सी। आप खुद सोचो उस दर्दनाक माहौल के बारे जिला अगले 24 घंटे तक उसी तरह ही रहा। वो दर्द, वो खामोशी जिड़ी उस दिन जलियांवाला बाग विच पसरी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने विच आज तक गूंज रही है। उसने माशाल्लाह के काले बदला ने पंजाब को घेर रखा सी। अमृतसर विच एक पासे शहीदां दे परिवार रुदन विच डुबे हुए सन, ते दूजे पासे अंग्रेज कहने लगा सी। कलबा विच नाच रहे सन, जशन मना रहे सन। उस रोज माशाल्लाह दा इस्तेमाल करके पता नहीं किन्ने लोगों नूं सलाखां दे पिछे टप के तसीहे दित्ते जांदे रहे। इस कतलेआम का दोनों डायरों से कोई असर नहीं होया। कई दिनों तक दोवे अमृतसर के लोगों उत्ते जुलम करके उन्होंने दबाते रहे। उन्होंने जुलम इस हद तक से कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली विचों गुजरता उन्हें गोडियां के हाथों के पार लिंगण से मजबूर किया जाता। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा था। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल को अमृतसर तो 87 किलोमीटर दूर गुजरांवाला विच कुछ भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपने हवाई जहाज को बम गिराए गए। पता नहीं कितने मारे गए। दुनिया की सभ्यता का झंडा चुकन वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा यही सी। पंजाब तो कोई खबर बाहर नहीं जा रही सी, पर हुंकार अजे तक जिंदा रही। वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रही। हौली हौली इस कतलेआम की खबर पूरे देश विच फैल गई, तब पूरा हिंदुस्तान विरोध विच उठ खड़ा हुआ। रॉयल एक्ट के खिलाफ देश भर विच आंदोलन तेज हो गया। ऐसे देश विच प्रदर्शन आदि धरने हो रहे सन। ये उधर अंग्रेज डायर का गुणगान कर रहे सन। उन्हों का ख्याल सी कि इन गोलियों की आवाजों विच भारत का राष्ट्रवाद आदि स्वतंत्रता संग्राम एक अंग्रेज कवि
रुडियार्ड किपलिंग ने डायर नू शाबाशी ही नहीं दिती, बल्कि उस लई एक राहत कोश भी खोल दिता। अंग्रेजी अखबार डायर नू साम्राज का बहादुर रक्षक दस रहे सन। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मूल तोड़ जवाब दिता। इस कतलेआम के खिलाफ अपनी आवाज नू बुलंद कर दिया गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की पदवी वापस कर दी। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बेंजी हॉलमैन ने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया और देश के कवियों ने अपनी कथाओं में अपना विरोध दर्ज किया। तुझको फूंक देंगे कायर तो है कहां का अपनी अदा पे ना जा तो करके तूने डायर कर पाया इधर वो जन को जिक्र क्या है देश का दुख से देशभक्ति से यही अंग्रेजों एक चेतावनी से कि तुसी कदों तक सुन करते रहोगे। ये देश साडा है अते असी इसको आजाद करा के ही रहेंगे। फिर भी जदों देश भर में हो रहे विरोध नहीं रुके, औरों को बचने लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लियाउण लई कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीया की निगरानी हेठ अपनी इनक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोगों नाल अपनी एकजुटता दिखाउण लई कांग्रेस ने अपना सालाना अधिवेशन भी अमृतसर विच कीता। इस अधिवेशन विच अंग्रेजों के फैशीपणे की बहुत आलोचना की गई। इस घटना मगरों हिंदुस्तान विच राष्ट्रीय अंदोलन दिया विचारधारावां होर भी प्रबल हो गईयां। जलियांवाला बाग दे कतलेआम मगरों उत्थे होए सुलमां नूं जदों अपने पिंड जाके एक बालक ने देखिया तां उस बालक विच देश प्रेम अते आजादी लई अलग जग गई। उसने उस बालक नूं भगत सिंह बना दिता। 13 अप्रैल 1900 विच हुए इस कतलेआम का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह की बंदूक ले लिया। वो खदर पार्टी की विचारधारा तो प्रभावित सी। लंदन के कॉक्सटन हॉल विच 13 मार्च 1940 वाले दिन चलिया वो 6 गोलियां माइकल ओडायर के जिस्म विच उतरिया। ओही माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग विच कतलेआम लई भेजिया सी। उसनू गोली मारन मगरों ऊधम सिंह उथों भज्जिया नहीं, उसने बड़ी शांति नाल अपनी गिरफ्तारी दिती। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओडायर की तो वो इसी के लायक था, उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलाई गोलियों की गूंज ने सुनने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हुई है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए उसने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद दसिया। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे, मुझे अपने किए पर गर्व है क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो भूमि वैसा ही कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजों ने उसको लंदन की पेंटन विलेज जेल विच फांसी से लटका दिता। आज भी ये देश
शहीद को सलाम करता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ये जो इतिहास आप सारे ने सुना, ये इतिहास उस जुर्म का बड़ा इतिहास है जिसमें सारे देशवासी ने चिंता से एक वो जलिया वाला बाग का इतिहास है जो सबको सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना हो वो एक दिन झुकना जरूर है। इतिहास उन शहीदों का इतिहास है जिन्होंने शहादत नूं ये देश अते इस दे लोकी तुसी ते असी कदे बेकार नहीं जान देवांगे।